क्या हुआ लड़के का, कब आ रहा है? वो तो आज आ जाए, लेकिन लेकिन कोई मसला है तो बता दे मुझे। जी मसला बस अम्मी, बाबा से बहुत डर लगता है मुझे, वो कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। तो फिर सिर्फ तेरे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? कोर्ट मैरिज कर ले। जी हाँ, सबसे आसान रास्ता है। शादी हो गई तो रहमत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वो वैसे भी वो अरमान आईजी का बेटा है, और सरकारी आर्डर पे तो तेरा बाप अपनी गैरत भी बेच देता है। याद नहीं है कैसे गया था एनी की शादी में नजरें चुका के? अम्मी अरमान, वो इसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे भी तू कानून की बेटी है और ये तेरा कानूनी हक भी है। मगर पापा तो तैयार है ना, लेकिन अरमान। सोच ले अच्छी तरह, मैंने तो रास्ता दिखा दिया। लड़के को बुला, तायरा को मुट्ठी में ले और उसके घर जाके निकाह पढ़वा ले। जी बड़ी अम्मी के घर? हाँ, सबसे महफूज रास्ता है, वरना रहमत का क्या पता, किसी वक्त भी बदल सकता है। जी बड़ी अम्मी के घर अरमान। वालेकुम सलाम। अब ये ना समझ लेना कि मैं एड़ियां रगड़ने तुम्हारी चौखट पर आई, मैं यहां अपनी बहू को देखने आई थी। अब आपने मेरी बेटी को इतने प्यार से बहू कहा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब चाहे तो ले जाए लेने को। उसे साथ ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है वजाहत। डॉक्टर ने अलीना का चेकअप कर लिया है, उसका ख्याल है कि इसे 2-4 दिन बेड रेस्ट की जरूरत है, 2-3 दिन इसे जमीन पर पांव नहीं रखना चाहिए। सकीना भी से कहना कि इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें और टाइम पर दवा देती रहें। जी बिल्कुल। कदम कदम पे तुमसे ये भूल होती रही है नी। मैं क्या करूं? वजाहत की तरफ दिल खिंचा चला जाता है, अपने अंजाम को देखती हूं तो दिल दहल जाता है। कहीं ऐसा ना हो अलीना को कुछ हो गया तो वजाहत की मोहब्बत नफरत में बदल जाए, मेरी जिंदगी किस दौराहे पर आ खड़ी हुई है। ऐसी जिंदगी से तुम मौत, हाँ ऐसी जिंदगी से तुम मौत बेहतर है। ये क्या कर रही हैं आप? क्या है ये? ओ मेरे खुदाया, अम्मी पागल हो गई हैं आप? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? छोड़ें इनको, मर जाने दो मुझे, तंग आ गई हूं मैं इस दोहरी जिंदगी से, तंग आ गई हूं मैं, तमाशा बनकर रह गई हूं मैं, अकेली रह गई हूं मैं। आंटी खुदा के लिए, आप हमेशा अपने आप को अकेला क्यों समझती हैं? हम लोग हैं ना आपके साथ। खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अम्मी। कदम कदम पे तुमसे ये भूल होती रही है नी। तुम्हारे शक ने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया है, जबकि ये शक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। नहीं अम्मी नहीं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। तुम तो वो हकीकत हो जिसने मुझे जीते जी मार दिया है नी। अगर मैं बच्चा लड़ा आवारा होती तो क्या मैं तुम्हारे बाप और तुमसे निजात ना हासिल कर लेती, अपनी नई दुनिया नहीं बसा लेती? क्यों सहती रहती मैं तुम्हारे खातिर तुम्हारे बाप के दिए जख्म है नी। आंटी एनी आपसे माफी मांगने आई है ना, आप प्लीज इसे माफ कर दें। और कर भी कह सकती हूं मैं, माफ किया सबको मैंने, माफ किया। जाओ अब जाओ यहां से, मुझे सुकून से मर जाने दो। नहीं अम्मी, अम्मी मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है आपको मरना है ना, तो आपसे पहले ये जहर मैं खाऊंगी। नहीं मेरी जान, नहीं। तो फिर मुझसे वादा करें आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, अम्मी आप जिंदा रहेंगी मेरे लिए, वादा करें। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी खातिर जिंदा रहूंगी। जिंदगी बेशक सजा बन जाए लेकिन तुम्हारी खातिर इसे काटती रहूंगी। मुझे माफ कर दे प्लीज। पापा बताइए ना मेरी माँ कैसी थी? आज तुम्हें बेटा मामा की याद कैसे आ गई? शायद मेरी मोहब्बत शफकत और रवैये में कुछ कमी रह गई। नहीं पापा, शायद मेरी अंदर की ममता ने मुझे माँ की कमी का एहसास दिलाया है। पापा मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? अरे हाँ मेरा बच्चा, पहले से बहुत बेहतर हो, बिल्कुल ठीक हो जाओ। अल्लाह ने चाहा तो तुम एक सेहतमंद और जीते जागते बच्चे की माँ बनोगी। रजो जाते हुए मेज साफ कर देना। चल बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, जो खाओ अपने हाथ से, जो पियो अपने हाथ से, किसी की दी हुई चीज ना खाना ना पीना। सकीना भी ये सब कुछ आप क्यों कह रही हैं? पहला पहला बच्चा है ना बेटा, बहुत एहतियात की जरूरत है। सकीना भी आप भी सब बातें बस यूं कह जाती हैं। माँ जो हुई मैं इन सब की, जो हक की बात है वो मैं जरूर करूंगी। सकीना भी आपको शक है किसी पर? बेटा मेरा शक समझो, मेरा यकीन या मेरा वहम, लेकिन एक बात गिरह में बांध लो, खुद तकलीफ उठाओ मगर खुद खाओ और खुद पियो बेटा। क्या मतलब सकीना भी? क्या मैं इस घर में रहते हुए भी एनी के हाथ से कुछ नहीं खा सकती और वो हर आधे घंटे बाद कुछ लेके मेरे सर पर खड़ी हो जाती है? बेटा एनी के दिल में कोई खोट नहीं है और ना ही उसने तुमसे कोई इंतकाम लेना है। सकीना भी एहतियात से बात किया करें, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा है ना, दीवारें भी सुन ले वजाहत मियां कि हमारी बच्ची लावारिस नहीं है। मैं तुम्हारे लिए यखनी लेके आती हूँ बेटा। पापा आपको आपको यकीन है कि मेरा कोई दुश्मन भी हो सकता है? अरे नहीं बेटा, मेरे बच्चे का कोई क्यों दुश्मन होगा, लेकिन फिर भी जिंदगी के बारे में सकीना भी का तजुर्बा काफी है। ये कैसा तजुर्बा है पापा? दुश्मनी मेरे साथ एनी ने की है और दुश्मन कोई और है। इस बार सकीना को मौका नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो, फ्रिज से वही फ्रूट ले जाओ अलीना की तरह, और सकीना भी से कहना कि फ्रेश जूस बना के पिलाएं अलीना को इसका। अरे ये तो किन्नू का जूस है, इससे क्या होता है? और बनाकर भी फ्रेश लाई थी मैं। सकीना भी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सकीना भी बड़ी शॉपिंग हो रही है, वो भी इतने महंगे स्टोर में। आपके हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड आपका बिल। तायरा मेरी बात तो हस्बैंड, हाँ
भरा आसमां।